नमस्कार, मैं आदित्यराज शर्मा, स्वागत है आपका बाबा राष्ट्रीय न्यूज में। चलिए अब चलते हैं खबरों की तरफ। खेसारी लाल के प्रोग्राम में जमकर हंगामा, हो गया करीब 1.5 करोड़ का नुकसान। नेपाल के सुनसरी जिला के बरजुमा ताल में एक मेला का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम होना था। तय समय पर खेसारी लाल अपनी टीम के साथ पहुंच भी गए, लेकिन नेपाल प्रशासन ने कोविड को लेकर इजाजत ही नहीं दिया। इसके बाद दर्शकों का गुस्सा ऐसा भड़का कि चार स्कॉर्पियो को आग के हवाले उन्होंने कर दिया। कुर्सी भी टूटे, साजबाज का सामान भी टूटे। क्या बोले खेसारी लाल यादव। हंगामे के बाद खेसारी लाल यादव ने बताया कि वे तय समय पर कार्यक्रम के लिए पहुंच गए थे। जब वे कार्यक्रम के लिए स्टेज पर जा ही रहे थे कि नेपाल पुलिस ने उन्हें रोक लिया और रोक दिया यह कहकर कि इस कार्यक्रम का इजाजत नहीं है। जनता को यह बताया गया कि खेसारी लाल आए ही नहीं है, जिसके बाद दर्शकों का गुस्सा ऐसा फूटा कि उन्होंने जमकर बवाल शुरू कर दिया, जिसमें खेसारी लाल यादव के 1.5 करोड़ की संपत्ति का नुकसान बताया गया है। उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए टिकट काटा जा रहा है या टिकट के माध्यम से दर्शकों को यह कार्यक्रम देखना है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही प्रशासन ने कार्यक्रम नहीं करने का आदेश दिया था, लेकिन आयोजकों ने उन्हें यह सूचना नहीं दी। हालांकि पूरे हंगामे के बाद खेसारी लाल यादव ने आयोजक पर FIR दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। खेसारी लाल यादव ने बताया कि उनकी टीम के कुछ सदस्यों को भी चोट आई है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।